450 rupees में मैं पहुंच गया हूँ चट्टोग्राम, है ना, एक बहुत ही बजट ट्रेवल। सो गाइस आप भी आ सकते हो, बट ऐसे ही आपको थोड़ा सा प्लान करके आना पड़ेगा, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लेके आना पड़ेगा। वो इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। ढाका चट्टोग्राम हाईवे, इस तरह पे पूरा ढाका, ढाका से सब बड़ी सब जो बस जो पीछे आ रहा है देख सकते हो, ये ट्रक, और ये ट्रक के पीछे जो बस है दैट इज कमिंग फ्रॉम द ढाका डायरेक्टली, और ढाका से ये सब गाड़ी जा रहा है इस तरफ। यहाँ इस सीधे चले जाओगे तो चट्टोग्राम है। दोस्तों आज मैं भोला आइलैंड मतलब क्वींस आइलैंड को छोड़कर जा रहा हूँ, इस देश का वन ऑफ द मोस्ट फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन जिसका नाम है चट्टोग्राम। चट्टोग्राम एक्चुअली जाने का कई तरह के वे होते हैं, ज़्यादातर टूरिस्ट जाते हैं ढाका टू चट्टोग्राम बस सर्विस से, पर मैं थोड़ा सा अलग ही रास्ता मैंने फाइन किया है बाय द हेल्प ऑफ तरुण जी। एज यू नो दैट तरुण जी इज़ अ लोकल पर्सन, इसको वो सब चीज़ पता है जो जो बाहर वाले टूरिस्ट उन लोगों को पता नहीं है। तो भोला क्वींस आइलैंड से चट्टोग्राम जाने का एक शॉर्टकट रास्ता भी है। तो कैसे हम लोग जा सकते हैं चट्टोग्राम उस रास्ते को इस्तेमाल करके, वही आज को दिखाना है। सबसे बजट सबसे कम खर्चे में कैसे आप चट्टोग्राम पहुँच सकते हो, कैसे पहुँच सकते हो, पूरा इन्फॉर्मेशन मिलेगा आपको इस वीडियो में। तो दोस्तों ऑलरेडी मैं चढ़ चुका हूँ एक ऑटो में, ये CNG वाला ऑटो एक लोकल ट्रांसपोर्ट है भोला टाउन से, और यहाँ से इसके इस्तेमाल करके मैं जा रहा हूँ टू द लोकल फेरी घाट, जिसको बोला जाता है पीलीशाह फेरी घाट। यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है, आधा घंटा शायद लगेगा मैक्स टू मैक्स यहाँ से पहुँचने के लिए। तो एक खूबसूरत ग्रामीण बांग्लादेश का नज़ारा देखते हुए मैं जा रहा हूँ इलीशा फेरी घाट। इलीशा फेरी घाट से मुझको लेना पड़ेगा लॉन्च। तो दोस्तों ऑलरेडी मैं पहुंच गया हूं इलीशा फेरी घाट, और भोला टाउन से इलीशा फेरी घाट आने के लिए जो ऑटो में मेरा भाड़ा लगा 50 दैट इज़ ओनली फॉर बोथ मी और फॉर तरुण जी। और ऑलरेडी इलीशा फेरी घाट का जो टिकट काउंटर है आई एम जस्ट अप्रोचिंग टूवर्ड्स देयर, वहाँ से हम लोग को पकड़ना पड़ेगा लॉन्च। ओके, और सामने ही खड़ा है एक बहुत ही खूबसूरत सा बड़ा सा लॉन्च, तो फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू एक्सप्लोर इतना बड़ा लॉन्च। चलिए पहले लॉन्च में चढ़ते हैं। दोस्तों ऑलरेडी मैं चढ़ चुका हूँ इस लॉन्च में, और इस लॉन्च का नाम है संचिता 2। देख सकते हो ये बहुत ही खूबसूरत से ये फेरी घाट है, और बहुत ही हलचल यहाँ पर है, बहुत सारे लोग दौड़ दौड़ के इस लॉन्च पे चढ़ रहे हैं, और द मेन थिंग इज दैट यहाँ पर अनाउंसमेंट भी बहुत ज़बरदस्त हो रहा है। ओके गाइस, इस लॉन्च से हम लोग जा रहे हैं लक्ष्मीपुर हम लोग जा रहे हैं मोजू चौधरी घाट हम लोग पहले जाएंगे, और जिसको बोला जाता है लक्ष्मीपुर जिसको बोला जाता है, और इस लॉन्च का भाड़ा पड़ा 150 ईच पर हेड। नदी है और क्या समुंदर, ये मुझको पता नहीं चल रहा है, जितना दूर नज़र जा रहा है ट्रस्ट मी आई एम जस्ट अनएबल टू सी एनीथिंग, उस पार कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, बट दूर दूर तक कहीं हॉराइजेंटल में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, एंड हैविंग सच अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। और ये जो लॉन्च का जो फैसिलिटीज़ है ये बहुत ही बढ़िया है, यहाँ पर भी दो फ्लोर, एक है लोअर और है अप, बट यहाँ का जो एडवांटेज है मीन्स ऊपर रहो नीचे रहो कोई बात नहीं, यहाँ का जो भाड़ा है फेयर है ऑलमोस्ट सेम है, दैट इज़ 150। ये एक केबिन है, अगर आप सोना चाहते यू विल गेट द बेड ऑल्सो इन हेयर। सो अ मॉडर्न लॉन्च जिसको बोला जाता है संचिता टू द नेम ऑफ दिस लॉन्च, तो बहुत ही बढ़िया है, हैविंग सच अ गुड एक्सपीरियंस। तो चलिए एटलस मैं जा रहा हूँ चट्टोग्राम, द ड्रीम सिटी ऑफ माइन। लाइक अ बर्ड ऑन अ ट्री I'm just sitting here, I got time, it's clear to see,
from up here. The world seems small. We can sit together. सोचिए जस्ट 150 रुपए में इतने लग्जरियस एक बहुत ही बढ़िया से आप लॉन्च से एक जगह से दूसरी जगह चले जाओगे जस्ट 150 और इतना ब्यूटीफुल एक लैंडस्केप एंजॉय करते हुए तो है ना ये एक बहुत ही प्रॉफिटेबल जर्नी. इट्स सो ब्यूटीफुल यू एंड मी वी मेंट टू बी इन द ग्रेट आउटडोर. दोस्तों ऑलरेडी हम लोग पहुँच गए हैं लक्ष्मीपुर. ये अभी उतरने का टाइम है बट देख सकते हो सामने बहुत ही भीड़ भाड़ है तो थोड़ा सा मैं और तरुण जी इंतज़ार कर रहे हैं. थोड़ा सा सामने का लोग उतर जाने दीजिए उसके बाद वी विल गेट डाउन फ्रॉम दिस ब्यूटीफुल लॉन्च सोनचीता 2. फेरी घाट से बाहर आ चुके हैं तो अभी हम लोगों को पकड़ना पड़ेगा बस. ओके तो बस स्टॉप में जा रहे हैं एकदम फेरी घाट से पास ही है. एक मिनट डिस्टेंस होगा शायद एक से दो मिनट वॉकिंग डिस्टेंस. वी आर गोइंग टू बस स्टैंड. तो बस से कितना टाइम लगेगा कितना बस का फेयर है नॉट येट हमें अभी तक पता नहीं चला. जाते हैं थोड़ा सा पूछताछ करते हैं. लगभग तीन से चार घंटे लगेगा तो चलिए पहले रोड कंडीशन नॉट गुड. ओके रास्ते का कंडीशन ज़्यादा अच्छा नहीं है तो ठीक है चलिए बस स्टैंड पहुँचते हैं. बस का पूरा इन्फॉर्मेशन लेते हैं उसके बाद आपको भी इन्फॉर्मेशन शेयर कर लेते हैं चट्टोग्राम का बस का सीन क्या है. तो जनाब ऑलरेडी मैं इस टिकट काउंटर से टिकट मैंने ले लिया हूँ. एक्चुअली ये शाही का टिकट काउंटर है शाही बस सर्विस. बताते हैं सर यहाँ पर दो टाइप ऑफ बस सर्विसेज है नंबर वन नॉन एसी एंड नंबर टू एसी. तो एसी नॉन एसी फेयर लेट मी टेल यू नॉन एसी बस का फेयर है 350 और एसी बस का फेयर बोला था 500. बट यहाँ पर मैंने थोड़ा तो एक्चुअली आई हैव डन सम बार्गेनिंग. सो बार्गेन करने के बाद आई गॉट दिस एसी बस. तो मैंने बुक किया है ये ब्यूटीफुल बस शाही. ओके इसका एक्चुअल रेट 500 बट मेरा थोड़ा सा डिस्काउंट मिला आई गॉट 400. थोड़ा सा बार्गेन करने के बाद आई गॉट बस सेट जस्ट 400. चलिए बस में चढ़ते हैं. दे बाहर से देखकर तो बहुत बढ़िया लग रहा है अंदर का सीन कैसा है वो भी इस पर अंदर जाके ही पता चलेगा. तो दिस इज द इनसाइड सीन ऑफ दिस ब्यूटीफुल बस. सो ये हम लोग का सीट है मैं और तरुण जी हम लोग यहाँ पर बैठे हैं. सो बस का सीट बहुत ही कंफर्टेबल है. एक्चुअली गाइज आई हैव ट्रेवल्ड मेनी टाइम्स इन अब्रॉड एंड जो फ्लाइट का जो एक्सपीरियंस है उतना भी ब्यूटीफुल नहीं है बट दैट्स क्वाइट गुड कंफर्टेबल. अच्छा यू हम लोगों ने एसी बस ले लिया बिकॉज नॉन एसी का जस्ट 50 रुपीज़ का डिफरेंस है एसी नॉन एसी का. बट अभी थोड़ा सा चलने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा गर्मी भी लग रही है. सो एसी का ये होल है एसी की हवा भी आ रहा है. होप सो आफ्टर कुछ मिनट कुछ पल के बाद हम लोग थोड़ा सा चिल मार जाएंगे हो जाएंगे और बाहर का ये नज़ारा पर्दा हटा कर देखते देखते हम लोग पहुँच जाएंगे चट्टोग्राम. सो बिलीव मी दोस्तों आई एम सुपर एक्साइटेड बीइंग एन इंडियन यूट्यूबर. चट्टोग्राम एक्सप्लोर करना मेरे लिए बहुत ही एक खास चीज़ है. दोस्तों दो घंटे बस जर्नी के बाद एक होटल के सामने हम लोग का बस यहाँ पर रुका है फॉर द लंच दोपहर के लंच के लिए. और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये हाईवे है दिस इज़ द हाईवे ढाका चट्टोग्राम हाईवे. इस तरह पे पूरा ढाका ढाका से सब बड़ी सब जो बस जो पीछे आ रहा है देख सकते ये ट्रक और ये ट्रक के पीछे जो बस है दैट इज़ कमिंग फ्रॉम द ढाका डायरेक्टली. और ढाका से ये सब गाड़ी जा रहा है इस तरफ यहाँ आप इस सीधे चले जाओगे तो चट्टोग्राम है. और इस हॉल के इस जगह का नाम है फनी. फोनी बंगला में हिंदी में फनी होता है. तो और ये हम लोगों का बस एज यू कैन सी दैट इज़ अभी 20 से 25 मिनट के थोड़ा सा हॉल्ट है. थोड़ा सा जो बस का पैसेंजर्स है दे आर हैविंग देयर लंच इन दिस होटल. और एक से डेढ़ घंटे का जर्नी है उसके बाद हम लोग फिर पहुँच जाएंगे चट्टोग्राम. सो गाइज बस जर्नी इज़ क्वाइट कम्फर्टेबल. तो टाइम ऑलरेडी हो चुका है अभी हम लोग को फिर से चढ़ना पड़ेगा बस पर. तो दोस्तों एट लास्ट हम लोग पहुँच गए हैं चट्टोग्राम. एक बहुत ही भीड़ भाड़ वाला एक शहर है और ढाका के बाद मुझे एग्जैक्टली पता नहीं ढाका के बाद सबसे हाईली पॉपुलेटेड
और सबसे बिजीएस्ट टाउन में से एक है ये चट्टोग्राम शहर। आप देख सकते हो ट्रैफिक भी यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त है। और कैसे है मैं टोटल खर्चा आपको थोड़ा सा कैलकुलेट करके बता देता हूँ। मैं जब भोला से निकला, मेरा जो एग्जैक्टली जो इलिशा फेरी घाट आने तक मेरा जो टोटल खर्चा पड़ा एक ऑटो से, दैट वॉज ओनली 25 रुपीज़। उसके बाद मैंने जो लॉन्च बुक किया संचिता 2 इलिशा फेरी घाट टू लक्ष्मीपुर, उस लॉन्च का भाड़ा पड़ा ओनली 150। मैं जो भी बोल रहा हूँ ये सब बांग्लादेश करेंसी में, मैंने टाका में। और उसके बाद जो मैंने बस लिया एसी बस था, उसका भाड़ा पड़ा 400, मीन्स 400, 150 550 और 25 रुपीज़, 575। 575 करके अगर इंडियन करेंसी में अगर आप कन्वर्ट करोगे तो ऑलमोस्ट ये हो जाएगा, कितना होगा, 450, अराउंड 450 रुपये ऑलमोस्ट हो जाएगा। तो सर ये सोचिए 450 रुपये में मैं पहुँच गया हूँ चट्टोग्राम, है ना, एक बहुत ही बजट ट्रेवल। सो गाइस आप भी आ सकते हो, बट ऐसे ही आपको थोड़ा सा प्लान करके आना पड़ेगा, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लेके आना पड़ेगा। पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, दैट्स ऑल। होप सो गाइस चट्टोग्राम अगर आज आना चाहते हो तो ये वीडियो की इन्फॉर्मेशन विल हेल्प यू अबाउट। तो वीडियो को अगर अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये ब्यूटीफुल शहर से ब्लॉग को यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कैसे आप यहाँ से जा सकते हो कॉक्स बाजार। राइट, कॉक्स बाजार इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन द वर्ल्ड। कैसे यहाँ से आप चट्टोग्राम से कॉक्स बाजार जाओगे, वो भी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के नेक्स्ट ब्लॉग में आपको मिल जाएगा। तो जुड़े रहने के लिए शुक्रिया, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। दोस्तों सी यू इन द नेक्स्ट एक्साइटिंग एपिसोड।